स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीटीटी 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पीटीटी के जो 2022 एग्जाम फोरम है वो कब से शुरू होने वाले हैं, सिलेबस में जो क्या चेंजेज हुआ है, जो इसके लिए सिलेबस है वो क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, इसके लिए जो आवेदन फॉरम है वो कब से शुरू होकर कब तक जो आवेदन फॉरम है वो किए जाएंगे, तो ये जो सारी अपडेट्स आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही दोस्तों पीटीटी से जुड़ी ज्यादा अपडेट पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट rk.lrutin पर विजिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आज तक की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनसे जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, सरकारी एग्जाम रिजल्ट और यूनिवर्सिटी रिजल्ट से जुड़ी आपको जो भी अपडेट चाहिए तो वो आपको हमारी वेबसाइट rk.lrutin पर मिल जाएगी। दोस्तों हम देख लेते हैं कि पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट है। अब प्रेस नोट देख लेते हैं कि कब से जो फॉरम है वो शुरू होने वाले हैं, परीक्षा है वो कब से कंडक्ट होगी, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, सिलेबस है वो क्या रहेगा, जो आवेदन प्रक्रिया के लिए जो शुल्क राशि रहेगी वो क्या रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस भर्ती के लिए जो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट रहेगी वो क्या रहेगी। तो दोस्तों 1 मार्च 2022 से आपकी 31 मार्च 2022 तक इस भर्ती के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो किए जाएंगे। परीक्षा की बात करें तो परीक्षा है वो नियत समय पर परीक्षा की तिथि है वो घोषित कर दी जाएगी। अब हम आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो जो इस भर्ती के लिए आवेदन है वो ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। अभ्यर्थी है वो आवेदन है वो ई मित्र और स्वयं भी जो कर सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व वेबसाइट पर जो उपलब्ध देशों को भी भली भांति पढ़ ले। इस भर्ती के लिए जो शुल्क राशि रहेगी वो 500 रुपये रहेगी, जो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग अथवा ई मित्र के माध्यम से जमा है वो करवा सकते हैं। हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस भर्ती के लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, एग्जाम सिलेबस है वो क्या रहेगा। दोस्तों एग्जाम सिलेबस की बात करें तो मानसिक क्षमता, टीचिंग एटीट्यूड, सामाजिक जागरूकता, भाषा रहेगी आपकी वो हिंदी, इंग्लिश, और हम बात करें कि पेपर कितने अंक का रहेगा तो पेपर है वो आपका कुल 600 अंक का रहेगा, जिसमें 200 अंक के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट से आपके 50-50 क्वेश्चन होंगे जो 150-150 अंक के होंगे, तो पेपर का जो कुल अंक रहेंगे वो 600 अंक के होंगे। 200 जो आपके पर्सन है वो जो पीटीटी 2022 के लिए रहेंगे, और 1 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक इस भर्ती के लिए जो आवेदन है वो किए जाएंगे। जल्द ही इस भर्ती की जो एग्जाम तिथि है वो भी घोषित की जाएगी आवेदन फॉर्म भरे जाने के बाद में। इससे जुड़ी जो भी सामान्य इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले दिनों में इस प्रकार के जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले जो आपको मिलती रहे। इसके साथ ही दोस्तों इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी। लिखित परीक्षा के लिए 3 घंटे का जो समय है वो आपको दिया जाएगा। पीटीटी की लिखित परीक्षा में विद्यार्थियों को 40% अंक है वो लाना जरूरी होगा, कि जो पीटीटी 2022 रहेगी इसमें विद्यार्थियों को 40% जो अंक अर्जित करना है वो अनिवार्य रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।